गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फिफ्थ, एनवायरनमेंट स्टडीज। तो आज हम लेसन एट रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट लेसन एट, पेज नंबर 62। तो इस यूनिक वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिक मीन्स अनोखा, वर्ड संसार, लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव, तो अनोखी दुनिया के जीव, जो हमारी दुनिया है अनोखी दुनिया में अलग अलग टाइप के अनोखे जीव होते हैं, तो अनोखी दुनिया के अनोखे जीव, जीवों की दुनिया। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग क्रिएचर्स अराउंड अस, हमारे आसपास कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। दिस क्रिएचर एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो इन प्राणियों जानवरों के की अपनी अलग विशेष विशेषताएं होती, सबकी अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। तो दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वे विभिन्न तरीकों से अलग अलग तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। सभी जीव अपनी अपनी अलग अलग तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं अपना और अपनी अलग तरीके से रक्षा करते हैं। इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों में दे फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच देयर, अवेलेबिलिटी मीन्स होता उपलब्धता, तो वे अलग अलग तरीकों से अपने भोजन की उपलब्धता के बारे में पता लगाते, मतलब अपने भोजन के बारे में पता लगाते कि हम कैसे कहाँ पर कहाँ से हमारा भोजन प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो देखो ये लाइन ऑफ एंट्स, ये चींटियों की लाइन है, बैट चमगादड़ उड़ रहा है, रोस्टर क्रोविंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह में जो मुर्गा है वो आवाज कर रहा है, स्नीफर डॉग, ये डॉग है एक, है ना, पालतू डॉग होता है। अब देखो सीधी पिक्चर्स एंड टेली, आपको पिक्चर देख के उन क्वेश्चनों को आंसर बताने हैं। व्हाइल मूविंग एंड सीक्रेट एंड ऑडर्स सब्सटेंस सो दैट द एंट्स मूविंग बिहाइंड फॉलो देम और आइडेंटिफाई द वे। तो व्हाइल मूविंग, चलते समय चींटियां किसी गंधयुक्त पदार्थ का स्राव करती, मतलब जो ओडोरस सब्सटेंस होता है गंधयुक्त पदार्थ जिसमें बहुत ज़्यादा गंध आती है, सुगंध, तो गंधयुक्त पदार्थ का स्राव करती, मतलब चलते समय, मतलब कहाँ से इतनी खुशबू आ रही है वो महसूस करती, सो देट द एंड्स मूविंग बिहाइंड फॉलो देम और आइडेंटिफाई द वे, और इसलिए ताकि वो फिर उनसे जो खुशबू जहाँ से आ रही है तो वो उस खुशबू के पीछे पीछे चलती हैं और रास्ते की पहचान करती हैं, है ना। चींटियाँ जब हमने देखा हो कुछ भी बिखर जाता है हमारे घर में, मीठा वगैरह, आटा वगैरह, कुछ भी शक्कर वगैरह, तो कितनी चींटियाँ लाइन से आ जाती हैं, तो वो कैसे आती हैं, वो खुशबू से आती हैं, उनको उनकी नाक, उनकी खुशबू इतनी तेज होती है कि वो कहीं भी कोई भी चीज़ होती है उसको खुशबू से वहाँ पर एक साथ पहुँच जाती हैं। तो वेन एन एंट बाइट्स अस देन इट इंजेक्ट्स दैट पॉइजनस, मीन जहरीले सब्सटेंस इनटू आवर बॉडी विच गेस पेन। तो जब कोई चींटी हमें काटती है तो हमें उस पदार्थ, मतलब जब कोई चींटी हमें काटती है तो उस जहरीली पदार्थ, मतलब जो जहरीला पदार्थ होता है उसको हमारे शरीर में इंजेक्ट करती है जिससे हमें दर्द होता है। गिनी वॉज गोइंग इन हर नेबरहुड विद हर ब्रदर दीपक, गिन्नी है वो अपने भाई दीपक के साथ पड़ोस में जा रही थी। तो गिन्नी फुट गॉट हिट विद अ स्टोन, तो क्या हुआ उस टाइम उसके अपने पड़ोसी के घर जाते हुए जा रही थी तो गिन्नी का पैर एक पत्थर से मारा गया, मतलब पत्थर से टकरा गया। शी सॉ दैट अ लार्ज ग्रुप ऑफ एंट्स वाज अंडर हर फुट, तो उसने देखा कि क्या देखा कि चींटियों का एक बड़ा सा समूह, बड़ा सा ग्रुप उसके पैर के नीचे था। शी गोट नर्वस एंड स्टार्टेड रनिंग अलोंग विद हर ब्रदर, वह उसने क्या करा, वह घबरा गई और अपने भाई के साथ वहां से भागने लगी। एट हर नेबर्स गेट अ डॉग वॉज टाइड विच स्टार्टेड बार्किंग, तो जैसे ही वो उसके उसके पड़ोसी के गेट पर गई तो एक कुत्ता वहां पर बंधा हुआ था जो भौंकने लगा जोर जोर से। दीपक टोल्ड हर दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर एंड डज नॉट लेट देम कम इन,
तो दीपक ने कहा, दीपक ने उसे बताया कि जो कुत्ता होता है वो एक अजनबियों पर भौंकता है और उन्हें अंदर नहीं आने देते। जो कुत्ते होते हैं पालतू कुत्ते, वो अजनबियों को देखकर भौंकने लगते हैं और उनको अंदर नहीं आने देते। स्ट्रेंजर्स मींस होता है अजनबी। चिंकी एंड चिंटू वर ओवरवेल्ड विद जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। चिंकी और चिंटू, अब जो चिंकी और चिंटू थे वो लुका छिपे हाइड एंड सीक गेम खेलने में बहुत मस्त थे, बहुत अभिभूत थे। और 2 रुपी कॉइन ऑफ वन ऑफ देयर फ्रेंड्स फेल डाउन, तो उनके एक फ्रेंड, उनके एक दोस्त का 2 रुपए का सिक्का नीचे गिर गया। तो ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज इट वॉज डार्क। तो उनका जो सिक्का था, किसी एक दोस्त का सिक्का नीचे गिर गया, तो सभी ने उसे ढूंढना खोजना शुरू किया, लेकिन इसे कोई भी ढूंढ नहीं पाए। क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो सडनली अचानक चिंटू सा अ बैट फ्लाइंग फास्ट, ही सेड। अचानक क्या हुआ, एक चमगादड़, चिंटू ने एक चमगादड़ को तेजी से उड़ता हुआ देखा और उसने कहा, लुक, देखो द बैट इज फ्लाइंग इजिली इन डार्क व्हाइल वी आर नॉट एबल टू फाइंड अवर कॉइन। कि देखो ये जो चमगादड़ है कितनी आसानी से अंधेरे में उड़ा जा रहा है, जबकि हम हमारा सिक्का ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो देन चिंकी टोल्ड दैट डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज टू सी एंड टू वर्क। तब चिंकी ने बताया कि जीवों में देखने की अलग अलग क्षमता, अलग अलग कैपेसिटी होती है, देखने की भी और काम करने की भी। तो ये हमें मतलब इस लेसन में ये बता रहे हैं कि जो अलग अलग जीव होते हैं वो अलग अलग सबके अलग अलग वो होते हैं कैरेक्टर, अलग अलग विशेषताएं होती है सबकी को। अब जैसे कि बैट्स को देख लो, जो चमगादड़ है वो रात में अंधेरे में बहुत तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन हम उड़ सकते हैं, लेकिन हम रात में देख ही नहीं सकते हैं इतना ज़्यादा अंधेरे में, है ना। तो डू यू नो, क्या आपको पता है, बैट्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मेमल्स, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 20% ऑफ ऑल क्लासिफाइड मेमल्स स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। जो चमगादड़ होते हैं वो स्तनधारियों का दूसरा सबसे बड़ा क्रम होता है, जो मेमल्स होते हैं उसका सबसे दूसरा क्रम होता है। दुनिया भर में सभी जो वर्गीकृत स्तनधारी होते हैं, जो क्लासिफाइड मेमल्स होते हैं, उनकी प्रजातियों का कितना परसेंट प्रतिनिधित्व करते हैं? 20% प्रतिनिधित्व करते हैं। अबाउट 1,240 बैट स्पेसिफिक्स आर डिवाइडेड इंटू 2 सब बॉर्डर्स। जो लगभग 1,240 जो चमगादड़ की प्रजातियां हैं उनको 2 उपसीमाओं में विभाजित किया गया है। चमगादड़ों की कितनी प्रजातियां होती हैं? 1,240 लगभग 1,240 प्रजातियां होती हैं चमगादड़ की, जो उनको कितने 2 उपसीमाओं में डिवाइड किया गया। सो फर्स्ट इज द लार्जली फ्रूट ईटिंग मेगाबैट्स, मतलब जो मोटे तौर पर फल खाने वाले मेगाबैट्स होते हैं, और फ्लाइंग फॉक्सेस एंड द हाईली स्पेसिफाइड इकोलोकेटिंग माइक्रोबैट्स, और फ्लाइंग बॉक्स या अत्यधिक विशिष्ट इकोलोकेटिंग माइक्रोबैट्स, ये प्रजाति इनकी उपसीमाएं जातियां हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। अब सी बाय डूइंग, ये आपको देख करके देखना है, पढ़ना है और आपको खुद को करके देखना है। तो मतलब ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है, आपको खुद को मैं फील करना है कि कैसे क्या करेंगे, आप खुद पढ़ना और इसको करना, डू योर सेल्फ। हु कैन सी हाउ फार, अब कौन कितनी दूर तक देख सकता है। राइट डाउन सम नेम्स ऑन ए पेपर, एक कागज पर कुछ नाम लिखें। प्लेस इट ऑन ए वॉल, और इसे दीवार पर लगाएं। नाउ अब सीइंग द नेम्स, और अब इन नेम्स को देखें और वॉक अवे फ्रॉम दी वॉल, और वॉल से दीवार से दूर जाते हैं। एंड नोटिस हाउ फार कैन यू सी देम क्लियरली, और नोटिस करें कि कौन स्पष्ट रूप से कितनी दूर तक देख सकता है, ये भी आपको करना है। आई स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लाई और ए मॉस्किटो इज वेरी डिफरेंट, एक मक्खी और मच्छर की आँख की जो संरचना होती है वो बहुत अलग होती है। देन फ्लाई अवे एट वंस सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, वे किसी भी चलती हुई चीज होती है उस पर, मतलब दे फ्लाई अवे एट वंस सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब वे कहीं भी किसी भी चलती हुई चीज़ों पे कहीं पर भी बैठ जाते हैं, उड़ के बैठ जाते हैं और कहीं से भी उड़ जाते हैं, मतलब हम किधर से भी उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो वो उड़ जाते हैं, उनको दिख जाता है हर तरफ से। देयर आइज आर डिफरेंट फ्रॉम द आइज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, तो उनकी जो आँखें होती हैं इंसानों की और जानवरों की और दूसरे जानवरों की आँखों से बिल्कुल अलग होती हैं। अ लाउड वेडिंग, जैसे कि देखो हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, ये इनकी हमने देखा होगा कि हम पीछे से भी इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये उड़ जाते हैं, साइड में से पकड़ते हैं तो भी ये उड़ जाते हैं, मतलब इनके आई साइड, मतलब इनकी जो आंखें होती हैं बहुत तेज होती हैं, उनकी इतनी
अलग टाइप्स की होती है, उन्हें कैसे भी दिख जाता। अ लाउड वेडिंग प्रोसेशन वॉज पासिंग नियर मयंक्स हाउस। जोरदार बारात, बहुत तेज जोरदार बारात मयंक के घर के पास से गुजर रही थी। तो सींग दिस, ये देखकर मयंक पुट हिज फिंगर्स इनटू हिज ईयर, वह उसने मयंक ने क्या किया, अपनी कानों में उंगलियां डाल दी। बिकॉज क्योंकि इनटू हिज ईयर्स बिकॉज सॉरी इट वाज वेरी लाउड, क्योंकि क्यों डाल दी उसने अपने कानों में उंगलियां, क्योंकि वह बहुत तेज आवाज थी वहां पर। गुंजन आस्क्ड हिम, गुंजन ने उससे पूछा उसकी व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ। मयंक ने कहा इट इज वेरी नोइजी, कि यहाँ बहुत शोर है। मुनिया आस्क्ड, मुनिया पूछती है, मुनिया ने पूछा व्हाट डज इट मीन बाय नॉइज, कि शोर से क्या मतलब है, कि शोर क्या होता है, नॉइज क्या होता है। तो मयंक सेड, मयंक ने कहा व्हेन वी हियर अ साउंड लाउडर देन आवर हियरिंग कैपेसिटी इट इज कॉल्ड नॉइज, कि जब हम अपनी सुनने की क्षमता से अधिक तेज ध्वनि सुनते हैं तो इसे शोर कहा जाता। मतलब अधिक तेज ध्वनि, मतलब जितनी हमारी सुनने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा तेज जो शोर होता है, ध्वनि होती है, आवाज होती है, उसे नॉइज कहा जाता है। तो दैट्स इनफ फॉर द डे, प्लीज रीड दिस चैप्टर, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।